हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सेप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा और यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो एक और तरीका है हमारे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर जाना होगा, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना है सेप डाउन और लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड से ऑन करना है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंस ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। ऑफेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन नोटिफिकेशन को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं या फिर शो ऐप ओनली कर सकते हैं। डू नॉट शो करना चाहते हैं डू नॉट शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज़ रिक्लेट, इसे भी आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।